क्या मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ? गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल. दिस इज लियान अगेन एंड आई होप एवरी वन ऑफ यू आर डूइंग वेल. एंड इफ एनी वन ऑफ यू आर नॉट डूइंग वेल, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू बी पॉजिटिव. एंड एट द सेम टाइम आई वुड से दैट अप्स एंड डाउन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ. सो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरी प्रीवियस वीडियोज में काफ़ी कॉमेंट्स की थी, एंड उसी के सिलसिले में मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों के सवाल के कुछ जवाब दूँ. एंड आज आप मेरे साथ बने रहना एंड मैं आपको इस जो क्वेश्चन एंड आंसर राउंड है उसको मैं एक डेली व्लॉग की तरह दिखाऊंगा ताकि हम बोर ना हो. मधुमक्खी, आप यहाँ देख सकते हो कि गर्मी आने वाली है तो इस तरह से आप बहुत खूबसूरत फूल आ गए, ये देखिए. एंड आप यहाँ देख सकते हो मेरे किचन गार्डन में नींबू भी लग गए हैं. एंड मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार ये लीची का पेड़ जो है वो फल दे हमें. बहुत ही छोटा सा है वैसे. तो अब मैं अंदर चलता हूँ एंड पहले ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ. गाइस, ये पराठा देख कैसा लगता है कि कोई कॉन्टिनेंट का नक्शा बना हुआ है. सो द ब्रेकफास्ट इज डन एंड अब मैं चलता हूँ बाहर एंड चाय पीने. मैंने मुझे पता है यहाँ एक चाय वाला है जिसका चाय बहुत ही सही है, तो मैं अब बाहर जाके चाय पी के आता हूँ. गाइस, मैं टेक सेवी नहीं हूँ एंड दूसरी बात मेरे पास काम ऑफिस के सिलसिले मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो मैं अपनी फ़ोन से मैं आज क्वेश्चन पढ़ूंगा एंड आपको मैं कोशिश करूँगा आंसर करने के लिए आईएएस रिलेटेड. तो मेरे साथ बने रहना. राहुल शर्मा एंड उसका कमेंट एक्चुअली है कि सर आई हैव वन क्वेश्चन, डू आईएएस गेट एनफ स्पेयर टाइम फॉर हॉबीज. तो राहुल भाई, मैं इसका जवाब आपको देना चाहूँगा. वो डिपेंड करते हैं आपके पोस्टिंग में. एंड और मैं आपको ये भी कहूँगा इन शॉर्ट कि आप अपने लिए जो है पर्सनल हॉबीज़ के लिए आप टाइम ज़रूर निकाल सकते हैं. आज छुट्टी का दिन है एंड सोच रहा हूँ कि आज चिकन बारबेक्यू करके खाऊँ, तो हम अभी चिकन लेने जा रहे हैं. दोस्तों, मेरा चेहरा 2 किलो का तो है नहीं, फिर भी देख यहाँ पे एक फुंसी निकला है वो जो दिखने में लगता है 2.5 किलो का. अनवेश मिश्रा एंड उसका कमेंट है कि जो हमारी कार है वो आई गेस नन विल बी फॉर अ पर्सनल यूज. तो इस सवाल का जो जवाब है वो है कि आप अपनी जो ऑफिशियल कार है वो कभी कभार फैमिली मेम्बर्स भी पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब वो दिन आस पास जाना हो तो आप यूज़ कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट की ओर. अब हम चाय पीने आए हैं, चाय बन रहे तैयार हो. अब आया हूँ चिकन लेने. यहाँ सारी दुकानें आज बंद है, संडे है इसलिए सारे छुट्टी में मज़े कर रहे हैं. सो फाइनली मार्केट से वापस आया हूँ और बहुत सारे ग्रोसरीज आइटम्स जो है वो लेके आया हूँ, आपको दिखाता हूँ. चलो, तो अभी मार्केट से ये चीज़ें लाया है. यहाँ पे है आपका बनाना चिप्स, यहाँ पे आपका चिकन, यहाँ चिप्स है, ग्रेप्स एंड कुछ कोल्ड ड्रिंक्स. और यहाँ है मेरा बिलैया भैया, ये देखो. हाय, बोलो भैया. हाय. एंड इसका नाम बिलैया क्यों है मैं आपको बताता हूँ. इसका नाम बिलैया इसलिए रखा गया है क्योंकि ये चुप चुप के रहता है, इसीलिए हम इसको बुलाते हैं बिलैया, जबकि इसका रियल नाम संदीप है. सो दोस्तों, आप लोगों में से एक ने पूछा, सिद्रा जनेब, एंड उसका क्वेश्चन ये है कि उसने मुझे कमेंट्स में लिखा है कि थैंक यू सो मच, सबको ऐसे ही क्वार्टर मिलता है और ये सब भी देते हैं, मीन्स टेबल, सोफ़ा, बेड, सब कुछ, मतलब इंसान अपने सामान कहाँ रखे. तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जैसे दिल्ली में होते हो फॉर एन एग्जांपल, तब आपको यूजुअली क्या होता है, जो मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें देखा गया है कि हमें नॉर्मली एक खाली घर मिलते हैं जो क्वार्टर होते हैं, सरकारी क्वार्टर. बट आप जब आपकी पोस्टिंग दिल्ली से बाहर होते ऑन फील्ड, तो उस केस में आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो होते हैं, जैसे आपका फर्नीचर्स एंड आपके जो घर की अमेनिटीज़ है, सारी चीज़ें जो होते हैं वो अवेलेबल मिलते हैं. जैसे आप देख सकते हो कि मेरे ये जो घर है इसमें, तो यहाँ पे हमारा अपना खुद का कोई सामान नहीं है, बस अपने कपड़े के अलावा. नाउ आई विल गो एंड मेक कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ. नाउ माई कॉफ़ी इज़ रेडी. अब चलते हैं हम दूसरे कॉमेंट की ओर. वो है आपका, क्या मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आईएएस ऑफिसर नहीं हूँ. आई एम नॉट एन आईएएस ऑफिसर. सो ये हमारा चिकन तैयार है ग्रिल के लिए एंड हमने इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था.
So guys, another comment is from Chester Rathor, and her comment is that can we live with our parents after IAS? So Chester, I want to tell you that definitely you can live with your parents and with your spouse, children. Usme koi problem nahi hai. So the next question is from Kumari Kajal, and comment hai, can IAS purchase expensive cars like BMW, Audi, Range Rover? Is IAS earn enough money? Is IAS can purchase these cars with his own salary? Well, iska main answer ye dena chahunga ki aapka jo senior most IAS officers hote hain, jiske liye aapko kam se kam 30 saal spend karni hoti hai, unki jo high salary hote hai wo kareeban 2.5 lakh ki hoti hai. And usse aap andaaza laga ke dekh lo ki is tarah ki jo luxury car hoti hai वो आपको ख़रीदना हो तो 2.5 लाख की सैलरी, आई डोंट थिंक दैट यू नो गोइंग टू बी एनफ टू बाय दिस काइंड ऑफ एक्सपेंसिव कार्स. एंड आप मान लो फॉर एन एग्जांपल ख़रीद भी लेते हो तो इनकम टैक्स जो है उसके लिए आपको दिक्कत करेगी. तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बिंग एन आईएएस ऑफिसर या कोई ऐसे सरकारी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए इस तरह की कार्स ख़रीदना मुश्किल है. अनलेस आपका कोई फैमिली बिजनेस हो, देन हाँ उसमें कोई कंसिडरेशन शायद हो, अदरवाइज विद ओन सैलरी नॉट पॉसिबल. सो दैट वॉज ऑल अबाउट सम ऑफ द कॉमेंट्स दैट आई हैव रिसीव फ्रॉम यू गाइज, एंड इफ यू हैव मोर कॉमेंट देन प्लीज फील फ्री टू कॉमेंट ऑन द कॉमेंट सेक्शन. वेल दैट वॉज ऑल फॉर द डे.